हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे बायोट सावर्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्चुअली बायोट सावर्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस सिर्फ दो ही पैटर्न पे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और एक सर्कुलर लूप। सो आपको पहले तो डायरेक्टली इनका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज म्यू नोट बाय 2 पाई आई बाय आर। ये तो हुआ अगर आपका पॉइंट बीच में है। अगर आपका पॉइंट किसी एक वोल्टेज या किसी एक एंड पे है तो फिर आपकी जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर। और ये एक्सप्रेशंस बच्चों हमने डिराइव भी कर रखे हैं, अगर आपको सीखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर के नाम से ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें सीरीज वाइज सारे लेक्चर्स हैं। ये देखिए, एक सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये, ऐसे ही सर्कल के अगर एक्सिस पे आपको निकालनी हो तो आप यूज करेंगे म्यू नोट बाय 2 आई। ये मान लो रेडियस है, ये मान लो स्मॉल आर है, तो आई आर स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऐसे रेज टू द पावर 3/2। एंड अलग से अगर आपको बायोट सावर्ट लॉ को भी डायरेक्टली अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखें, बायोट सावर्ट लॉ। ओके, तो ये जो हमारे हैं फॉर्मूले, ये बायोट सावर्ट लॉ था और ये एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सावर्ट लॉ हमने की थी और इनके ये फाइनल एक्सप्रेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, एक एक करके क्लियर करेंगे हम क्वेश्चंस किस किस टाइप के और छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन थोड़ी सी ज्यादा ही आती है। जैसे कि देखो, अगर एक आपको अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की दे दी जाए या फिर अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की दे दी जाए, इनमें करंट की डायरेक्शन सेम रखी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, अब आप बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप, एट सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप दैट इज आर डिस्टेंस सेपरेटेड, है ना, ये भी आर होगा, फिर ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, सिमिलरली इसमें भी आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो बताएं क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैग्नेटिक आई करंट है, दोनों में आई करंट है, दोनों में आर डिस्टेंस का सेपरेशन है। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें और इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेम है या अलग अलग है, और सेम है तो मैग्नीट्यूड कितना है, अलग अलग है तो डिफरेंस क्या है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो दो शेप के जो कंडक्टर हैं, एक तो ये स्ट्रेट वायर है और एक सर्कुलर अपर्चर है ना, ये दोनों शेप की मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपकी करंट कैरिंग वायर है उसके राइट या लेफ्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको पॉइंट गिवन हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। बट अगर आपके पास कोई कोलिनियर पॉइंट दे दे, मींस स्ट्रेट वायर के बिल्कुल ऐसे कोलिनियर कोई भी पॉइंट दे दे, तो याद रहे मैग्नेटिक फील्ड आप उस पॉइंट पे जीरो मानेंगे। क्यों जीरो मानेंगे, इसका भी रीजन है, बायोट सावर्ट लॉ जो साइन थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच में होता है बच्चों, dl और r के बीच में। जब हमने वेक्टर फॉर्म करी थी याद होगा आपको, वेक्टर फॉर्म यू नोट बाय 4 पाई i dl क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब, ये जो dl है और r है जिनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है ना, उसी के बीच में ये एंगल होता है। सो अगर मैं इसके ऊपर छोटा सा dl एलिमेंट मानूं, dl की डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है और r तो है ही हमारा dl से टेस्टिंग पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री एंड साइन 0 इज व्हाट 0। सो आपको
ये खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्ट्रेट वायर के कोलिनियर कोई भी पॉइंट आए, जैसे कि यहां पे आया हुआ है कोलिनियर है ना, तो ये दोनों स्ट्रेट वायर इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगी, दैट्स वाई मैंने इसको एक को जीरो लिख लिया। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कर्व्ड पोर्शन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्क्यूलर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्क्यूलर पार्ट इज म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर। ड्यू टू सर्क्यूलर पार्ट स्टूडेंट्स, सर्कल कंप्लीट नहीं है यहां पे, ध्यान रहे ये सेमी सर्कल है, दैट्स वाई हम इसके डिवाइड में टू रखेंगे और ये होएगा म्यू नॉट बाय फोर आई बाय आर। ऐसे आप बायोट सेवर्ट लॉ से डायरेक्टली निकाल सकते हो, देखो आर और डीएल के बीच में एंगल तो 90 है, इसलिए साइन 90 तो 1 हो गया, इसको तो यहां से हटा दें। अब आई बार डीएल की, डीएल इज द, डीएल का जब इंटीग्रेशन होगा तो पूरी लेंथ ऑफ आर्क कवर होगी, और पूरी लेंथ ऑफ आर्क कवर होगी, एंगल देखिए लेंथ ऑफ आर्क का कितना बन रहा है 180 डिग्री पाई है ना। सो डीएल जब मैं डीएल को रिप्लेस करूंगा, एज वी नो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है थीटा इनटू रेडियस, थीटा इज व्हाट पाई, रेडियस इज आर। सो अगर मैं डीएल की जगह पे पाई और आर अप्लाई करूं तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, म्यू नॉट बाय फोर आई बाय आर, एंड दिस इज द रिजल्ट। ये तो है मैग्नीट्यूड। अब आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेंगी, बट डायरेक्शन देखिए ये जैसे कि मैंने बोला है तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, बचा सेमी सर्कुलर पार्ट। अगर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ, एंड ऐसे थंब को फिर ऐसे कर्ल करेंगे दूसरे वाले के केस के लिए, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। दूसरा तरीका ये है सर्कल के अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, कि क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट साउथ, एंटी क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट नॉर्थ, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है, साउथ के अंदर घुसती है ना। सो ये था स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे भी और क्वेश्चंस करके देखेंगे, लॉजिक कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल। देखिए एक वायर है जिसके पास आई करंट है, इस वायर के जस्ट एक सर्कल है, ये जो डिस्टेंस है ना इस सर्कल के और वायर के बीच का हम नेग्लिजिबल रखेंगे, बट टच में नहीं है, ये भी ध्यान रखें टच में नहीं है, ओके टच में नहीं है, एंड इसके अंदर करंट चल रहा है आई, सेम करंट, ओके। अब आपको ये बताना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ना तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं। सो अब देखें फिर से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दो है, B1 एंड B2 दो लिखेंगे। B1 इज व्हाट, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड मान ले, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कल B1 इज म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। B2 इज व्हाट, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू वायर बिकॉज कोई लेंथ इसकी फाइनाइट गिवन नहीं है और पॉइंट सेंटर में है, तो म्यू नॉट बाय टू पाई आई बाय आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर। अब आई बाय डायरेक्शन सेपरेटली, डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन सर्कल के कारण तो इनवर्ड है, मतलब ये डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है, एंड फॉर ए स्ट्रेट वायर अंदर बाहर, बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब आप खुद इमेजिन करें एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये आउटवर्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हैं तो आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑब्वियसली दोनों बराबर तो है नहीं, एक बड़ी एक छोटी है। अब आपको ये देखना बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी,
इसका डिनोमिनेटर छोटा, इसकी वैल्यू बड़ी, मतलब बी वन इज ग्रेटर देन बी टू, सो इसके सामने एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। जो बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस कर दे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। ओके, एंड बड़ी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। बड़ी इनवर्ड है ना, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ड। बिगर माइनस स्मॉलर, वी गेट म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर माइनस म्यू नॉट बाय टू पाई आई बाय आर। ऐसे म्यू नॉट बाय टू आई बाय आर, ये तो कॉमन आ रहा है, वन माइनस वन बाय पाई, एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगेन एक और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस में आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे भी हमारे पास फॉरवर्ड करें। मान लीजिए इन दोनों करंट कैरिंग वायर्स, इनके पास करंट है I, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री, एंड ये वायर एक लूप, सर्कुलर लूप के साथ अटैच है। पूरा सर्कुलर बन नहीं पाया, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। इमेजिन दिस इज ए सर्कल, ठीक है, करंट सेम है, करंट सेम है, एंड दिस डिस्टेंस, लेट अस कंसिडर दिस इज आर डिस्टेंस। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। इसके लिए भी बच्चों एक डायरेक्ट बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से निकालेंगे, साइन थीटा, ये था ना बायोट सेवर्ट लॉ, डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाएंगे, दोनों सेम निकलेंगे। पहले रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगेन द पॉइंट, द टेस्टिंग पॉइंट इज कोलिनियर to the straight current carrying wire, that's why the magnetic field due to these two wires is zero. Now, this circular aperture makes magnetic field due to a circle, complete circle. Complete circle की magnetic field बच्चो, mu naught by 2 I by R. ये तो थी complete circle की magnetic field. But ये कौन सा part है circle का? एक circle में कितने 90-90 degree के angle बन सकते हैं? 4, मतलब ये 3/4 पार्ट ये रह गया, 1/4 पार्ट ये रह गया, ये पार्ट तो है नहीं सर्कुलर अपर्चर में, 3/4 पार्ट है, इसी को 3/4 से, ये तो कंप्लीट की थी, कंप्लीट की थी तो 3/4 है हमारे पास, कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज आई बाय आर। ये तो था सिंपल शॉर्टकट, बट जो ये लंबा तरीका है ये भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल ना गिवन हो, नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा भी लेके दिखाऊंगा जिसमें एंगल ना गिवन हो, अगर किसी एग्जांपल में आपके पास एंगल गिवन ना हो तो आप कैसे करेंगे सोल्व? देखें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, तो एज इट इज साइन थीटा आपको अलग से दिख रहा है बिकॉज डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है और आर रेडियस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट टू द टेस्टिंग पॉइंट, सो उनके बीच का एंगल तो 90 है, साइन 90 तो हट गया। डीएल को ओपन करें, डीएल वैसे लेंथ ऑफ आर्क, कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस क्या होता है एंगल, एंड व्हाट इज दिस एंगल? 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री है ना, 3 पाई बाय 2, सो यहां पे आप 3 पाई बाय 2 रखेंगे, एल इज व्हाट? 3 पाई बाय 2 इनटू आर। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, एंड यहां पे जो डीएल आना था, डीएल का इंटीग्रेशन करने से लेंथ ऑफ आर का आएगा, एंड लेंथ ऑफ आर के इज 3 पाई बाय 2 इनटू आर। After solving this, we get 4 to the 8 and ऊपर 3 है, नीचे R रह गया, okay? Same expression. So students, ये वाला तरीका तो आपको समझना है, समझना क्यों है? अभी बताते हैं क्यों समझना है। देखिए, next question.
ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो इस फॉर्मूले को क्यों समझना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये देखें, ऐसा ऐसा और ये लूप कंप्लीट कर दें, ये लूप कंप्लीट कर दें। ओके, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसा, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, यस, और अल्फा एंगल है, एंगल कितना अल्फा, यस, यहां से डिस्टेंस है ए, यहां से डिस्टेंस है बी टू दी सेंटर, ओके, और आपको इसी सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, इसी सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो देखें पहले मैं इसको थोड़ा और कर्व कर देता हूं ताकि तुम्हें दिखे, ऐसे अल्फा, ओके, इस सेंट्रल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अल्फा एंगल आई करंट, ए एंड बी आर द डिस्टेंस ऑफ बोथ सर्कुलर पार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग पॉइंट। अगेन स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट पार्ट है ये कंप्लीट, ये जो स्ट्रेट पार्ट है ये दोनों पार्ट्स, इन दोनों वायर्स के कोलिनियर पॉइंट है, दैट्स व्हाई मैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान के चलता हूं इसकी। हाँ, अब बचा ये कर्ड अपर्चर, दोनों कर्ड, अल्फा एंगल है, रिमाइंड दैट अल्फा एंगल है, तो लेंथ ऑफ एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, है ना। तो जो फर्स्ट अपर्चर है उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है अल्फा इंटू ए, जो सेकंड अपर्चर है उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है अल्फा इंटू बी, एंड फर्स्ट अपर्चर के लिए देखो साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग डीएल विल गेट म्यू नॉट बाय 4 पाई, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इज आई आर एल बाय आर स्क्वायर, एंड फॉर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड वी हैव म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एल बाय आर स्क्वायर एल डैश बी टू, ठीक है, एल आफ्टर रिमूविंग एल वी हैव अल्फा ए ऑन द प्लेस ऑफ एल एंड एल डैश अल्फा बी, ओके, आर इज ऑल्सो द डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट टू द टेस्टिंग पॉइंट, यहां पे आर की जगह पे आप लिखोगे ए स्क्वेयर, यहां पे आर की जगह पे आप लिखोगे बी स्क्वेयर, ओके, बी टू बी ए टू ए कैंसल। सो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात, ये देखिए डायरेक्ट पहले वाले लूप के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज, पहले वाले लूप के लिए जिसकी रेडियस ए थी मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट थंब रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्ड। अगेन स्टूडेंट्स, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से सब्ट्रैक्शन से आएगी, सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटा कर दें, बड़ा कौन सा जिसका, देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ी वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, डिनोमिनेटर में देखो ए है यहां पे बी है, बी इज बिगर ए इज स्मॉलर और सारी चीजें कॉमन है, देखें ए इज स्मॉलर दैट्स व्हाई बी वन इज बिगर एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज बी वन माइनस बी टू, ऐसे बी वन देखिए b1 जो जो चीजें कॉमन है वो आप पहले ही निकाल लें b1 और b2 में से, देखें आई अल्फा कॉमन है, बचा 1 बाय a माइनस 1 बाय b, दिस इज द रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द बिगर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखिए मान लीजिए दिस दिस एंड दिस, दिस इज आवर करंट लूप, ओके, एंड The angle subtended is, जो ये जो डॉटेड पार्ट है ना, ये डॉटेड पार्ट रियल आपके लूप का पार्ट नहीं है, लूप सिर्फ इतना है,
ओके, लूप सिर्फ ये है, डॉटेड पार्ट आपके लूप, ये सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि एंगल सबटेंडेड बाय ईच आर्क इज थीटा। मान लीजिए ये डिस्टेंस भी आर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। अब आई करंट है, अब आप फाइंड आउट करें नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो लिखते आ रहे हैं। अब देखिए स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अब सर्कल के कारण जीरो बना देंगे, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकालेंगे। दिस इज द करंट, लेट अस कंसीडर टू आई, एंड फ्रॉम सिमेट्री आई यहां पे चला गया, आई यहां पे चला गया, एंड अगेन टू आई बाहर निकल गया। दिस इज द डिस्टेंस आर एंड दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस आर। अब आपको फाइंड आउट करना है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसे फाइंड आउट करें बच्चों? देखें ये जो सेमी सर्कल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये जो दोनों सेमी सर्कल हैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है टेस्टिंग पॉइंट से, दोनों में करंट बराबर है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ सेमी सर्कुलर पाथ इज सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो फॉर सर्क्यूलर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड कैंसल ईच अदर। अब बचा स्ट्रेट पार्ट, देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, बाहर की तरफ आएगी इस पॉइंट पे, सिमिलरली अंदर और बाहर की तरफ आएगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस बीच वाले पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालू कैसे? देखो इस तरफ तो कोई फाइनाइट लेंथ गिवन नहीं है, मतलब इनफाइनाइट वायर है, बट द टेस्टिंग पॉइंट लाइज एट इट्स वन एंड, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड बी वन इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू कितनी, किसी एंड पे लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेंगे म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर ऐसे। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज सेम डायरेक्शन में है इसीलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी वन प्लस बी टू, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर है इसलिए टू बी लिख सकते हैं, टू बी लिख सकते हैं। तो देखे इसके सामने दो लगा दें, दो से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा म्यू नॉट बाय टू पाई आई बाय आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस डायग्राम और दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ यस देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन आपको ये सर्कुलर पार्ट का बचता है, सर्कुलर पार्ट का और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन 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 फॉर द सर्कुलर पार्चर, यस सर्कुलर पार्ट के लिए क्वेश्चन, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये फॉर्मूला यूज नहीं हुआ था, यस ये दो सर्कुलर अपर्चर बनाए मैंने, इस अपर्चर में डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, डायरेक्शन करंट कितना है एक एम्पियर का, एक एम्पियर का करंट है, ओके। इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यहां से एक पॉइंट है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे और यहां से पॉइंट है वही पॉइंट 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेकेंड लूप सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज जीरो। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, करंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको ये बताना है इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना हो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। कैसे बताएं बच्चों, देखें मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप इज गिवन बाय, सो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी म्यू नॉट बाय टू आई आर स्क्वायर, मतलब
0.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 स्क्वायर प्लस 0.04 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसे ये पहले का करंट है, ऐसे ही सिमिलरली दूसरे का करंट म्यू नॉट बाय 2 आई 2 0.04 एंड 0.04 0.03 स्क्वायर। ओके, ऐसे 3/2 ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या यहां पे इक्वल एंड अपोजिट नहीं होनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन तब होगी जब देखिए एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल अगर एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो या तो बाहर की तरफ डायरेक्ट करेगी या अंदर की तरफ डायरेक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्शन ऑफ करंट से। मैंने जब क्वेश्चन करवाया था मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली थी और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आउटसाइड। ये कैसी क्लॉकवाइज? आप खुद से थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, क्लॉकवाइज करंट मेक्स साउथ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड टू द साउथ पोल इज इनवर्ड। तो हमें अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो ये डायरेक्शन शो करे और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन शो करने के लिए इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, नॉर्थ पोल बनने के लिए इसके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट एज इन लूप L1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2 शुड बी सेम, इक्वल है ना, इक्वल एंड अपोजिट। सो इन दोनों का बराबर रखेंगे म्यू नॉट बाय 2 I1 0.03 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 स्क्वायर प्लस 0.04 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सिमिलरली म्यू नॉट बाय 2 I2 0.034 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 एंड हॉल रेज टू दी पावर 3/2। बच्चों a प्लस बी हो या b प्लस a हो एक ही बात है तो काटो, म्यू नोट बाय टू काटो, बचा क्या I1 इंटू 0.03 स्क्वेयर I2 इज इक्वल टू I2 इंटू, या फिर I2 निकालना है, I1 गिवन है, ये डिवीजन में ले आओ 0.04 स्क्वेयर। ओके नाउ देखे I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 9, क्योंकि जो 100,000 या 10,000 जो भी रहेगा वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे भी वही ऊपर भी वही कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 4 का स्क्वायर 16, I1 इज व्हाट 1 एम्पियर, तो दिस इज द रिजल्टेंट करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं। यस, अब अगर आपके पास मान लीजिए एक वायर है, एक लूप है इस फॉर्म में, इस लूप के अंदर करंट है I, इस लूप के अंदर करंट है सेम डायरेक्शन में, इस लूप के अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा साउथ पोल बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान के चलूं, ऐसे क्लॉकवाइज, यहां से बाहर यहां से अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान के चले, तो इसकी भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड एंड ड्यू टू फर्स्ट। इसके अंदर √3 I करंट है, करंट सेम नहीं है, करंट अलग अलग है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, ये आपके पास क्वेश्चन है। मान लीजिए दोनों R डिस्टेंस पे ही हैं, सेंटर कोएक्सियल हैं और दोनों का डिस्टेंस R, n नंबर ऑफ टर्न भी मान के चलते हैं, की बात फॉर n नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सर्कल इज गिवन बाय, देखिए सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये एक्सप्रेशन यूज होगा, सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट बाय 2 I बाय R, फॉर n नंबर ऑफ टर्न वी हैव n,
सिमिलरली सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय टू आई की जगह पे रूट थ्री आई एन एज इट इज, दोनों में एन नंबर ऑफ टर्न है. ओके अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने बच्चों, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक ये डायरेक्शन एक ये डायरेक्शन, एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टेल से टेल वैसे ही कनेक्ट है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए एंड दिस इज द रिजल्टेंट. सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे होता था 2ab cos थीटा b, बट एज वी नो cos थीटा थीटा कितना 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई फिनिश. बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर या हाफ लिख ले ऐसे अंडर रूट में कंफ्यूजन हो जाए, तो ये देखिए म्यू नॉट बाय 2 आई एन बाय आर इसका स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाय 2 रूट 3 रूट 3 रूट 3 आई एन इसका स्क्वायर एंड अंडर द रूट. देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, म्यू नॉट स्क्वायर में जाके कॉमन आएगा, रूट के बाहर वो स्क्वायर भी उड़ जाएगा, ऐसे ही 2r का होगा, ऐसे ही i का होगा, ऐसे ही n का होगा, अंदर क्या बच गया 1 और रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 जमा 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो बचा क्या म्यू नोट i n बाय r, ये जो 2 आएगा ना ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. एंड बच्चों अब मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका मन कर रहा होगा एक आधे हम भी ट्राई करके देखें. अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद ये देखें एक ऐसी वायर है और एट द एंड एक और सर्कल है इस टाइप से, है ना, करंट सेम है, बस इस पॉइंट पे निकालना है, इसका डिस्टेंस है आर वन, ये पूरा सर्कल बना लेना, सर्कल अगर बनने में कमी रह गई हो तो, ये रेडियस है आर टू, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, पूरे में करंट की मैग्नीट्यूड है आई, सेम मैग्नीट्यूड. ओके यस, एक और क्वेश्चन, स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर एंगल बनाएगी सेंटर पे 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने वैसे बना दिया एंड ये बाकी का सर्कुलर पार्ट, डायरेक्शन इसमें है करंट, लूप हमारा ये है, ठीक है ये लूप है हमारा करंट का, कुछ भी मान ले आई है, बट अब की बार बच्चों देखो हिंट दे रहा हूं मैं, इसमें ऐसे डिवाइड करना है ये और फिर सेंटर पे है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के निकालने के लिए, और सर्कल का आपको पता ही है. ओके आई हो गया आर, आर आप खुद से कुछ मान सकते हो, दिस इज आर, एंड वैसे क्वेश्चन में दे रखी है 120 mm, ठीक है ये रेडियस 120 mm दे रखी है, आप अगर अपनी तरफ से निकालने की वैसे बिना गिवन के भी निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं. एक ऐसा क्वेश्चन कराया था ये 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री, ओके डायरेक्शन ऑफ करंट जो आप चाहो वो ले सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो आप चाहो वो ले सकते हो, बट आपको सिर्फ अच्छा ये दो तीन क्वेश्चन हैं जो आपके, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये देखो ऐसे ये स्ट्रेट पार्ट, ये स्ट्रेट पार्ट, यहां से एक कर्व्ड पार्ट स्टार्ट है, ठीक है और इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, करंट इज सेम, ठीक है. सो स्टूडेंट्स इनको ट्राई करके देखें, ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, वैसे कोई क्वेश्चन है बायोट सेवर्ट लॉ से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. ओके थैंक यू, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.